Hello and welcome to Notebook IAS. My name is Mansi. Today is 3rd August and we are here to discuss some current news from the Hindu. So let's begin. आज के हमारे आर्टिकल्स होंगे, ये आज के हमारे आर्टिकल्स हैं, इस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे. ठीक है, फर्स्ट आर्टिकल है यूपी गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू फेस हीट और टू फेस हीट ओवर नेजुल लैंड बिल. तो ये नेजुल लैंड बिल क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में इस आर्टिकल में जानेंगे. ठीक है, अगला आर्टिकल जो है, सेंटर रीयूज द ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ऑन द इको सेंसिटिव एरियाज इन वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स के जो इको सेंसिटिव एरियाज है उसका ड्राफ्ट एक प्रस्तुत किया गया है, उसके बारे में जो है वो हम आगे इस आर्टिकल में डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, गवर्नर शुड बी अ ब्रिज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट पीएम. हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया है, गवर्नर शुड बी अ ब्रिज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. उसके बारे में कहा दिया है, क्यों दिया है, बैकग्राउंड क्या है उसका, वो हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे आगे. ठीक है, अगला जो आर्टिकल है हमारा जो हम पढ़ने वाले हैं वो है, इंडिया सिलेक्ट्स टू क्रू मेंबर्स फॉर एक्सियम फोर मिशन टू ISS. ठीक है, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे, एक्सियम फोर मिशन है क्या. ठीक है, ISS क्या है. ठीक है, इंडिया ने किनको सिलेक्ट किया है, कौन से मेंबर्स है जिनको सिलेक्ट किया है, वो हम आगे पढ़ेंगे इस आर्टिकल में. CCI प्रोक्योर्स 33 लाख बेल्स कॉटन एट MSP. CCI ने 33 लाख कॉटन बेल्स जो है वो MSP पे प्रोक्योर करे हैं. तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और डिटेल में कैसे करे हैं, क्यों करे हैं, किस मतलब इतना अमाउंट कैसे किया है. ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो एमिड ग्रोइंग BRI प्रेशर फॉर चाइना. ठीक है, ये एक आर्टिकल हम आगे पढ़ेंगे, BRI के बारे में हम जानेंगे और क्या होता है उसका, क्या रूट क्या होता है BRI का. ठीक है, BRI का फुल फॉर्म क्या है, आगे उसका क्या बेनिफिट्स है, कैसे एस्टेब्लिश हुआ है, सब कुछ आगे जानेंगे. ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा डिटेल एनालिसिस. फर्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, यूपी गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू फेस हीट ओवर नेजुल लैंड बिल. तो नेजुल लैंड बिल है क्या. ठीक है, नेजुल लैंड बिल हम जानते हैं आगे कि वो है क्या. नेजुल प्रॉपर्टी बिल 2024. अब पहले क्या होता था ना, जैसे ब्रिटिश के टाइम पे जो उनके खिलाफ जो आवाज़ उठाते थे, उनकी जो ज़मीनें हैं, उनके जो क्रॉप्स हैं जो उन्होंने उस साल प्रोड्यूस किए हैं, वो सारे वो ब्रिटिश जो है वो अपने कब्ज़े में ले लेते थे, उनकी ज़मीनें वगैरह सब कुछ अपने कब्ज़े में ले लेते थे. तो थोड़े टाइम बाद क्या हुआ ना कि फिर जब हमें आज़ादी मिली, उसके बाद जो ज़मीनें ब्रिटिशों ने जो ज़मीनें कब्ज़ा की हुई थी, उसका जो हकदार है, जो उसका जो रियल ओनर्स है, वो कभी सामने नहीं आए, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं था और डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ नहीं थे उसको प्रूफ करने के लिए कि वो ज़मीन जो है वो उनकी है. इस वजह से जो सारी ज़मीन थी वो गवर्नमेंट के पास चलेगी. ठीक है, यूपी गवर्नमेंट के पास चलेगी या सारी इंडिया की जो है वो अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट के पास चलेगी. ठीक है, तो अब जो है वो नेजुल बिल इस वजह से पास हुआ है कि जो ज़मीन थी उसके ऊपर क्या होता था ना, वैसे गवर्नमेंट जो है वो ज़मीन लीज पे दे देती थी या फिर किसी के नाम पे ट्रांसफ़र कर देती थी. ट्रांसफ़र हो जाता था किसी और के नाम पे या 15 to 99 years तक के लिए वो लीज पे चली जाती थी ज़मीन. ठीक है, अब जो है वो नेजुल बिल के तहत जो है वो ज़मीन ना तो ट्रांसफ़र होगी, और जो ट्रांसफ़र हुई ज़मीन है वो वापस गवर्नमेंट के पास आ जाएगी. ठीक है, और जो लीज पे दी गई ज़मीन है, जो 15 to 99 years के लिए जो लीज पे दी गई थी ज़मीन, जब तक उसकी मतलब जो एग्जिस्टिंग लीज पे चल रही है, जब तक उसकी लीज ख़त्म नहीं हो जाती, वो उनके पास रहेगी जिनको दी हुई है लीज पे, और जब जैसे ही लीज ख़त्म हो जाती है वो जो है गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगी. ठीक है, अगर मतलब और वो भी अगर वो लीज़ का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो वॉयलेट नहीं करते हैं, तो अगर वो वॉयलेट कर देते हैं तो फिर क्या होगा, वो मतलब इनिशियली गवर्नमेंट के पास आ जाएगी. ठीक है, तो इसमें यही बताया है, नेजुल बिल के बारे में बताया है. तो इसके कुछ वो जान लेते हैं,
prohibition on conversion. The ordinance prohibits the conversion of nezul land into freehold status of private person. मैंने बताया अभी कि nezul land के तहत जो है जो property है government की, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ public use के लिए होगी, सिर्फ और सिर्फ hospital, schools या फिर ऐसे कोई बड़े initiative के लिए होगी, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं होगी. पर्सनल यूज़ के लिए, इंडिविजुअल यूज़ के लिए वो नहीं दी जाएगी, नहीं ट्रांसफ़र की जाएगी अब से, ठीक है. अब से द लैंड विल नॉट बी ट्रांसफर टू प्राइवेट ओनरशिप एंड विल रिमेन अंडर गवर्नमेंट्स कंट्रोल, ठीक है. टर्मिनेशन ऑफ पेंडिंग एप्लीकेशंस, ठीक है. पेंडिंग एप्लीकेशंस का क्या होगा, जिन जिन ज़मीनों पे मतलब केस चल रहे हैं या फिर जिन ज़मीनों को जो है वो कोर्ट में, मतलब जिन ज़मीनों के पेपर्स कोर्ट में है अभी, तो उसका क्या होगा, तो जो जो ज़मीनें होंगी उनके ऊपर जो केस चल रहे होंगे वो सारे खारिज कर दिए जाएंगे, ठीक है. वो टर्मिनेट हो जाएंगे, वो एग्जिस्ट नहीं करते अब से, ठीक है. इस बिल के तहत ऑल पेंडिंग एप्लीकेशंस एंड प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट बिफोर एनी अथॉरिटी सीकिंग कन्वर्जन ऑफ नेजुल लैंड टू फ्री होल्ड स्टेटस एंड डीम्ड स्लैब्स और रिजेक्टेड, ठीक है, रिजेक्ट हो जाएंगे, वो नहीं एग्जिस्ट करेंगे अब से, टर्मिनेट हो जाएंगे. लीज एग्रीमेंट, एग्जिस्टिंग लीज एग्रीमेंट विल कंटिन्यू अंटिल एक्सपायरेशन इफ द लीज कंडीशंस आर नॉट वायलेटेड एंड रेंट इज पेड रेगुलरली. लीज का जो रेंट है वो रेगुलर पे करेंगे और जो लीज के जो रेगुलेशंस है उसके अंडर काम करेंगे, वो वायलेट नहीं करेंगे. तो लीज जो है वो उनके उस टाइम ड्यूरेशन तक जिन मतलब जितने के लिए उन्होंने ली गई है उस टाइम ड्यूरेशन तक उस ओनर के पास रहेगी, उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगी. रीज़न क्या है, रीजंस क्या है इसका, इसका रीज़न है द ऑर्डिनेंस वॉज पास टू एंश्योर द गवर्नमेंट ओन्ड लैंड डेजिग्नेटेड टू पब्लिक यूज़ रिमेन्स अवेलेबल फॉर पब्लिक प्रोजेक्ट्स एंड पर्पस, ठीक है. जो गवर्नमेंट का जो लैंड है वो सिर्फ पब्लिक यूज़ के लिए ही होना चाहिए, ये इसका मेन रीज़न है, मेन पर्पस है इस बिल का, ठीक है. तो वही फुलफिल होता हुआ दिख रहा है, उस हिसाब से जो है की जजमेंट्स देख लेते हैं हम आगे. की जजमेंट्स क्या है, द ऑर्डिनेंस हैज़ बिन कंटेस्टेड इन अलाहाबाद हाई कोर्ट. द कोर्ट हैज़ एक्सटेंडेड द टाइम फॉर द स्टेट काउंसिल्स टू ऑब्टेन इंस्ट्रक्शंस ऑन मैटर्स इंडिकेटिंग ऑनगोइंग लीगल स्क्रूटिनिटी एंड डिबेट रिगार्डिंग द ऑर्डिनेंस ऑफ प्रोविजन, ठीक है. पब्लिक प्रोजेक्ट्स, द ऑर्डिनेंस इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इस लॉ का इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है. इम्पैक्ट देख लेते हैं, इस लॉ का इम्पैक्ट पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे कैसे होगा. द ऑर्डिनेंस इंश्योर्स दैट नेजुल लैंड रिमेन्स अवेलेबल फॉर पीपल्स प्रोजेक्ट, ठीक है. पीपल्स प्रोजेक्ट के लिए ही होगा, पीपल्स प्रोजेक्ट जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, ठीक है, हॉस्पिटल्स और पंचायत ऑफिस, ये सारे जो है उसके एग्जाम्पल्स है, इसके लिए ही अवेलेबल होगा, ठीक है, जो लैंड होगा वो. लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैरिटी, बाय क्लियरली डिफाइनिंग द मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नेजुल लैंड द ऑर्डिनेंस प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क दैट कैन प्रिवेंट डिस्प्यूट एंड स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस. इस लॉ से क्या होगा, इसका इम्पैक्ट ऐसे होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसका स्ट्रीम मतलब वो काफ़ी ईज हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है. इस लॉ के तहत रिक्लेमेशन ऑफ पब्लिक लैंड, ठीक है, लीज होल्डर्स के बारे में तो हमने बात कर ली, आगे बढ़ते हैं, ठीक है. ये टॉपिक जो है वो आ सकता है यूपी स्पेशल में, मेंस में, ठीक है. इसका मेंस में जो है वो मतलब इसके बारे में पूछ सकते हैं आपसे. तो आप इसको, मैंने एक क्वेश्चन बनाया है कुछ मेंस के, तो आप ये क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करिए, इससे आपको आपकी जो टॉपिक की नॉलेज है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी और ख़ुद को टेस्ट भी कर सकोगे कि इस टॉपिक के बारे में आप कितना जानते हो, ठीक है. ये प्लीज़ ये वाला जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है. पर देख लेते हैं एक बार, उत्तर प्रदेश में नेजुल भूमि विधेयक 2024 के मुख्य प्रावधान बताइए. इसका उद्देश्य नेजुल भूमि के उपयोग और प्रबंध को कैसे विनियमित करना है, ठीक है. इसका आंसर जो है वो आप खुद से लिखिए, प्रैक्टिस करिए. इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चंस होंगे इस टॉपिक के रिलेटेड, उसमें भी आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा. अगला टॉपिक देख लेते हैं. अगला टॉपिक है सेंटर रिसीव्स ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ऑन इको सेंसिटिव एरियाज इन वेस्टर्न घाट्स. अब इको सेंसिटिव एरियाज क्या है, ठीक है. इको सेंसिटिव एरियाज
बहुत पहले से एक पिछले साल 2022 में भी ये ड्राफ्ट जो है वो प्रस्तुत किया गया था वेस्टर्न घाट्स के ऊपर ही, ठीक है। उसमें ये ड्राफ्ट में क्या है हम जानते हैं आगे, ठीक है। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज, ठीक है, EASAs हैव बीन इन न्यूज़ रिसेंटली ड्यू टू द क्रिटिकल रोल इन कंजर्वेटिंग बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टिंग इकोसिस्टम फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज से क्या होता है, ESA में क्या होता है ना, एक एरिया या एक जोन को ESA जो है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया कंसिडर किया जाता है, ताकि उसकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो रिजर्व रहे, उसकी जो बायोडाइवर्सिटी है या वहाँ के जो फ्लोरा एंड फौना है वो सिक्योर्ड रहे, उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, ठीक है। इस वजह से जो है वो ESA जो है वो अप्लाई किया जाता है सर्टन कुछ एरियाज़ के ऊपर, ठीक है। ये जो ड्राफ्ट है इसको 2022 में भी प्रस्तुत किया गया था, अभी भी इसको प्रस्तुत किया गया है, 6 सिटीज़ है, ठीक है। 6 सिटीज़ में अभी हम आगे जानेंगे कौन सी सिटीज़ है। 6 सिटीज़ में जो है वो वेस्टर्न घाट्स की जो बॉर्डर लाइन पे जो सिटीज़ आती है उनमें जो है उनका जो कुछ एरिया जो है वो ESA में मतलब ESA को ESA उसको टर्म देना चाह रहे हैं इस ड्राफ्ट के तहत, बट वो शायद अपोज कर रहे हैं, ठीक है। Key reasons for its recent attention. Supreme Court ruling. The Supreme Court of India has mandated that all protected forests must have minimum ESZ of 1 kilometer from their boundaries. ठीक है, Supreme Court ने ये mandatory किया है कि protected forest जो है वो ecologically sensitive zone होने चाहिए, जो उनकी बाउंड्रीज है वो एटलीस्ट 1 किलोमीटर तक इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन होने चाहिए। उससे क्या होगा, उससे ह्यूमन एक्टिविटीज से जो है वो डिस्टर्बेंस नहीं होगी फ्लोरा एंड फौना को, और वहाँ पर जो एंडेंजर्ड या एंडेमिक स्पीशीज़ है उनको डिस्टर्बेंस नहीं होगी, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हुए हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज़ बिन एक्टिवली वर्किंग ऑन नोटिफाइंग न्यू ESA एंड ESZ across various states. For example, in July 2022, the ministry published a draft notification of Western Ghats ecological sensitive area covering 56,825 square kilometers across 6 states. 6 states में ये इतना area जो है वो cover करवाने के लिए 2022 में जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट ने जो है एक ड्राफ्ट बनाया था, ठीक है। उसको ESA में जो है वो कन्वर्ट करने की कोशिश की गई थी तभी, ठीक है। इम्पैक्ट जान लेते हैं, इम्पैक्ट ऑफ इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होंगे इसके, पॉजिटिव इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ESA help in preserving unique flora and fauna, many of which are endemic and threatened. These conservation is crucial for maintaining ecological balance and resilience. ठीक है, ecological balance maintain करने के लिए ये जो conservation है वो बहुत ज़्यादा important है, वरना काफ़ी species जो है वो ऐसे ही vanish हो जाएंगी, तो ये important है काफ़ी, ठीक है। Sustainable development by regulating activities in this zone, ESAs promote sustainable land use practices ensuring that development does not come at the cost of ecological health. Climate regulation, these areas play a significant role in climate regulation by maintaining forest covers which act as carbon sinks and helps in mitigation ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इन सब का एक बेसिक यही पॉइंट है कि एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए फ्लोरा एंड फौना जो है वो वैनिश ना हो जाए, या फिर जो एनिमल्स है, जो स्पीशीज है एनिमल्स की, वो वैनिश ना हो जाए, इस वजह से जो है वो मेन ये इसका बेनिफिट पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि वो वैनिश ना हो जाए, कोई स्पीशीज या कोई फ्लोरा फौना को डिस्टर्बेंस ना हो, इस वजह से जो है ये जो ड्राफ्ट है वो पास किया गया है। डिसएडवांटेजेस क्या है, डेवलपमेंटल रिस्ट्रिक्शंस, डेजिग्नेशन एज एन ESA कैन लिमिट सर्टेन टाइप ऑफ डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। अब जो एरियाज को ESA का टैग दे दिया है,
करते या देंगे आगे जाके, तो उस एरिया में ना इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो सकती है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियस रीज़न है, वहाँ का फ्लोरा फौना जो है वो प्रोटेक्ट करना है, वहाँ का नेचुरल इकोसिस्टम प्रोटेक्ट करना है, इस वजह से जो है ये कोई कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो सकता, कुछ मतलब खुद मैनली एक्टिविटीज़ उसमें नहीं हो सकती, ह्यूमन एक्टिविटीज़ उसमें नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है, क्योंकि डेवलपमेंट रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं इसमें। कॉन्फ्लिक्ट विथ लोकल कम्युनिटीज़, अब लोकल अगर किसी जोन को या किसी एरिया को आप एक मतलब LS उसमें कंसिडर करोगे, तो फिर क्या होगा, लोकल कम्युनिटीज़ जो है ना वो उनको ऑब्वियसली डिस्टर्बेंस होगी, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस बहुत हो जाएंगी, ना ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ना बाहर की चीज़ें कुछ मतलब अंदर आ पाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, लोकल कम्युनिटीज़ को सोशो इकोनॉमिक नीड्स ऑफ दीज कम्युनिटीज़ इज़ चैलेंज, ठीक है, उनकी सोशो इकोनॉमिक नीड्स जो है वो चैलेंज हो जाएंगी। एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग द रेगुलेशन विद इन ESA रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट। अब इसको मैनेज करना, एडमिनिस्टर करना, ये एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि छोटा एरिया नहीं है, मतलब काफ़ी बड़ा स्क्वायर किलोमीटर्स, जैसे देखा हमने कि 2022 में ये जो एरिया है, इतना एरिया को ESA कन्वर्ट कराने के लिए जो है वो ड्राफ्ट दिया गया था, तो जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन उस एरिया का करना, उसको मॉनिटर करना, उस पे बार बार नज़र रखना या फिर देखना, सारी चीज़ें एडमिनिस्टर करना, मैनेज करना, वो सब कुछ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इतने बड़े एरिया में, ठीक है। तो मेन एक उसका डिसएडवांटेज ये हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, हु डिफाइंस ESA, अब डिफाइन कौन करता है ESA, ठीक है, क्राइटेरिया बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी वैल्यू है, ठीक है, एरियाज हैव हाई बायोडाइवर्सिटी, जिनमें हाई बायोडाइवर्सिटी है ऑब्वियसली उसको कंसिडर किया जाएगा ESA का कन्वर्ट करने के लिए। इकोसिस्टम सर्विसेज, रीजन प्रोवाइडिंग सिग्निफिकेंट इकोसिस्टम सर्विसेज सच एज वाटर प्यूरिफिकेशन, फ्लड रेगुलेशन एंड कार्बन सीक्वेंसिंग, ठीक है, वाटर प्योरिफिकेशन, फ्लड रेगुलेशन और कार्बन सीक्वेंसिंग जो एरिया हमें नेचुरली प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको ESA में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि उसमें कोई ह्यूमन डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होता है, ठीक है। इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी, एरियाज दैट आर रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड एंड मेंटेन देयर नेचुरल इकोसिस्टम प्रोसेस, जो एरियाज जो है वो अपना नेचुरल प्रोसेस मेंटेन करता है अपने आप से ही, उनको कोई ज़रूरत नहीं होती है एक्सटर्नल मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस की, या फिर एक्सटर्नल कुछ उनको कुछ चीज़ें उनके पास प्रोवाइड करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उसको जो है वो ESA में कन्वर्ट करा दिया जाता है, ESA में जो है उस पर अप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। हु डिफाइंस ESA, इन इंडिया द डेजिग्नेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ESA आर प्राइमरीली ओवर सीन बाई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये मिनिस्ट्री याद रखिएगा, ये जो है वो ESA को डिफाइन करती है, और कौन सा एरिया ESA के अंडर आना चाहिए वो भी डिफाइन करती है, ठीक है। अभी देखते हैं, अभी ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स के लिए जो है वो एक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया है कि उसका कुछ एरिया जो है वो ESA में कन्वर्ट कराना है, ESA का टैग देना है उसको, बट कंट्रीज़ जो है वो अपोज कर रही है फॉर दर सर्टन एरिया, मतलब कुछ एरिया जो है वो कंट्रीज़ को अपना नहीं देना, उस एरिया में उनको नहीं इंक्लूड कराना, इस वजह से अपोज कर रही है, ठीक है। तो हम मैप पे देख लेते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चंस आपको ज़रूर मतलब पढ़ने चाहिए, बिकॉज लोकेशन पता होनी चाहिए, जो न्यूज़ में है उस आर्टिकल के से बेस्ड जो लोकेशंस है वो तो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो प्रीलिम्स में पूछते हैं, और मेंस में अगर आप इसे ड्रॉ करके मैप पूरा बताओगे कि वेस्टर्न घाट्स कहाँ है, ईस्टर्न घाट्स कहाँ है, उसकी क्या लोकेशन है, कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है, ये सब कुछ जब आप बताओगे तो आपका आंसर बहुत प्रेजेंटेबल दिखेगा, ठीक है। तो मैप में जान लेते हैं कि क्या है, ठीक है, ये दिख रहा है, ये पूरा ये वेस्टर्न घाट का इलाका है, ठीक है, ये पूरा वेस्टर्न घाट का इलाका है, यहाँ से जो है वो यहाँ से ऐसे ये ईस्टर्न घाट का इलाका है, ठीक है। एक बार
पॉलिटिकल मैप में भी देख लेते हैं कि कौन से स्टेट्स जो है वो इसको बॉर्डरिंग करते हैं, ठीक है। ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, ठीक है, ये जो है ये कंट्रीज़, ये जो है स्टेट्स जो है इसको बॉर्डर करते हैं। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। कौन से उसमें आता है, ईस्टर्न घाट्स जो है वो ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, कुछ पार्ट तेलंगाना का भी, ठीक है। ये ऐसे करके पूरा जो है ईस्टर्न घाट्स है। कर्नाटका का ये पोर्शन थोड़ा सा पोर्शन आता है, बट आता है थोड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं मेंस में, ठीक है। ये टॉपिक आ सकता है मेंस में, पूछता है, मतलब क्वेश्चन इस पर ऐसे बन सकते हैं कि इस सब का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बाकी बाकी नॉर्मल, मतलब जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर क्या होगा, इकोनॉमिक वेलबींग कैसे होगा, इकोनॉमिकली क्या इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारे क्वेश्चंस जो है वो मेंस में आ सकते हैं, ठीक है। एनालाइज द कल्चरल एंड इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्टर्न घाट्स, हाउ डज द डेजिग्नेशन ऑफ ESA स्टेटस इम्पैक्ट्स द ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन दिस रीजन, ठीक है। लोकल कम्युनिटीज़ के ट्रेडिशन को कैसे इम्पैक्ट करता है वो बताना है इस क्वेश्चन में। इसको प्रैक्टिस करिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ कि मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके ही आएंगे, तो ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा ये क्वेश्चन भी, और इसके पहले का भी क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। सारे मेंस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि गवर्नमेंट शुड बी अ ब्रिज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, PM, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, 2 डे कॉन्फ्रेंस थी सारे गवर्नर्स की, उसमें ये बोला है, उसमें जिसको इनॉग्रेट कर रही थी हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो इनॉग्रेट कर रही थी उस कॉन्फ्रेंस को, उसमें जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला है कि गवर्नर्स को एक ब्रिज होना चाहिए स्टेट और सेंटर के बीच में, ठीक है। ब्रिज होना चाहिए, ब्रिज तो पता ही आपको, दो पॉइंट्स को वो कनेक्ट करता है, वैसा ब्रिज होना चाहिए गवर्नर्स को, ठीक है। आगे देखते हैं, थोड़ा गवर्नर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इस टॉपिक में गवर्नर के बारे, गवर्नर की जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। गवर्नर जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का, ठीक है। स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं गवर्नर, ठीक है। उनकी जो मिनिमम एज रिक्वायर्ड है वो 35 ईयर्स है, ठीक है। गवर्नर के पोस्ट अक्वायर करने के लिए जो एज रिक्वायर्ड है वो 33 ईयर्स है, ठीक है। टर्म जो है होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ रेसिडेंट थ्रू 5 ईयर्स, 5 ईयर्स तक का जो है वो ऑफिस होल्ड करते हैं। शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और हाउसेस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल, ठीक है। वो गवर्नर जो है दोनों हाउसेस, ना राज्यसभा लोकसभा, इन दोनों के मेंबर नहीं होने चाहिए, और लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली के मेंबर भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। ओथ, अब ओथ कौन कराता है, चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट, जिस स्टेट के गवर्नर है वो उस स्टेट के जो चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होंगे वो उनकी ओथ कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। ये रिज़ाइन किसको करते हैं, ये ही रिज़ाइंस टू द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करते हैं। आर्टिकल्स रिलेटेड टू गवर्नर, अब गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल्स जो है ये आप ज़रूर पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, प्रीलिम्स वगैरह में क्वेश्चन पूछ सकता है, UPPCS के प्री में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्टिकल्स कौन से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब ऐसे आर्टिकल का एक्सप्लेनेशन दे देंगे और बोलेंगे कि चूज वन ऑफ द अबव, ठीक है। 153 आर्टिकल क्या कहता है, गवर्नर ऑफ स्टेट, इसका डेफिनेशन देता है, ये गवर्नर ऑफ स्टेट का डेफिनेशन देता है आर्टिकल 153। आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है कि कैसे अपॉइंटमेंट की अपॉइंट होते हैं गवर्नर, ठीक है, थ्रू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 56 क्या कहता है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, ऑफिस जो टर्म होता है गवर्नर का, उसके रिगार्डिंग जो टर्म होता है गवर्नर का उसके बारे में बताते हैं, ठीक है।
उसके बारे में बताता है आर्टिकल 156। आर्टिकल 157 जो है क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर के अपॉइंटमेंट का अपॉइंटमेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है वो बताता है आर्टिकल 157। आर्टिकल 158 कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, गवर्नर्स के ऑफिस की कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए वो डिफाइन करता है आर्टिकल 158। आर्टिकल 159 ओथ अफर्मेशन बाय द गवर्नर, ठीक है, ओथ कैसे ली जाएगी, ओथ क्या होगी, ये सब कुछ आर्टिकल 159 डिस्क्राइब करता है। 160 डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस ऑफ गवर्नर इन सर्टन, ठीक है, 161 पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट, ठीक है, गवर्नर्स को जो पावर्स ग्रांट की जाती है वो बताता है, ठीक है। आर्टिकल 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर, गवर्नर जो है वो एडवाइस, एड एंड एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में जो है 163 बताता है आर्टिकल। आर्टिकल 200 जो है असेंट टू बिल्स बाय गवर्नर, ठीक है, आर्टिकल 201 जो है बिल रिजर्व्ड फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट बाय गवर्नर, प्रेसिडेंट को कौन से बिल जो है वो प्रोवाइड कराने हैं वो गवर्नर अपने पास रखते हैं, कौन से बिल प्रोवाइड कराने हैं उसकी इन्फॉर्मेशन 201 देता है। आर्टिकल 213 जो है, 213 क्या देता है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर जो है वो आर्टिकल 213 बताता है हमें, ठीक है। अब गवर्नर के बारे में इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स, ठीक है, इससे क्या होगा, इन वन लाइनर्स से क्या होगा, आपको याद हो जाएगा कि गवर्नर के टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इसमें। अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ टू और मोर स्टेट्स आर्टिकल 153 एज पर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1956, ठीक है। एक जो पर्सन है वो दो से ज़्यादा स्टेट्स का भी गवर्नर जो है वो बन सकता है, ये आर्टिकल 153 डिफाइन करता है, ठीक है। द गवर्नर मे बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, अब गवर्नर को किस ग्राउंड्स पे निकाला जाता है बाय प्रेसिडेंट, ये अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, ठीक है, स्पेसिफिकली नहीं बताया है किस ग्राउंड पे जो है उनको निकाला जाता है। गवर्नर नॉमिनेट्स 1/6 ऑफ द टोटल मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ आर्ट साइंस एंड आर्ट्स एंड लिटरेचर सोशल सर्विस एंड अकाउंट्स, इन फील्ड्स में से आर्ट्स साइंस सोशल सर्विसेज लिटरेचर और अकाउंट्स में से जो है गवर्नर 1/6 ऑफ द टोटल टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में से जो है वो नॉमिनेट करता है इन फील्ड्स में से, ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए हुए होते हैं काफ़ी 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, वेरियस बैकग्राउंड से, तो ये गवर्नर भी जो है वो नॉमिनेट करते हैं। आगे पढ़ते हैं, आगे दिया गया है द ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इन स्टेट ऑफ झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एंड ओडिशा अपॉइंटेड बाय गवर्नर, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर जो है इन स्टेट्स में वो गवर्नर के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। द प्रोपोगेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑर्डर्ड बाय गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रोपोगेशन को जो है वो गवर्नर ऑर्डर करते हैं। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ गवर्नर आर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नर के जो है सैलरीज अलाउंसेस भी जो होते हैं वो सारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ही देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ गवर्नर इन इंडिया सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश, फर्स्ट वुमेन टू बिकम गवर्नर इन इंडिया वो सरोजनी नायडू फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ठीक है। लास्ट देखते हैं चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज इन स्टेट, गवर्नर जो चांसलर्स होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज के वो गवर्नर सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इस टॉपिक पे एक मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं
ठीक है, मेंस के क्वेश्चन मैं आपको काफ़ी दे रही हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपका जो जो टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाए, अच्छे से आप उसको रिवाइज कर पाओ इन इन क्वेश्चंस के थ्रू। तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, मेंस में भी इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ गवर्नर इन मेंटेनिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया। हाउ कैन द गवर्नर एक्ट एज एन इफेक्टिव ब्रिज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, प्रैक्टिस करिए इस ये क्वेश्चन को, करंट बेसिस पे ही मैंने ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। ठीक है, और एक बार इस मतलब एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद में जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना, तो काफ़ी इजी लगता है अटेम्प्ट करना। उसको फॉर्म कर सकते हो आप, मतलब एक स्ट्रक्चर में फॉर्म कर सकते हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड प्रैक्टिस एंड यू शुड प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस। अगला देखते हैं, इंडिया सिलेक्ट्स टू क्रू मेंबर्स फॉर एक्सिमोन 4 मिशन। ठीक है, एक्सिमोन 4 मिशन के लिए इंडिया ने ये दो जो है उनको सिलेक्ट किया गया है। इनके नाम क्या है? शुभांशु शुक्ला एंड प्रशांत बालकृष्ण नायर। नाम याद रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्ण नायर। ठीक है, इसके बारे में आगे जानते हैं, क्या है एक्सिमोन 4 मिशन। ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों है? ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज शॉर्टलिस्टेड टू शुभमन शुक्ला एंड प्रशांत बालकृष्ण नायर फॉर इट्स 4 ट्रेंड गगनयान एस्ट्रोनॉट फॉर एक्सिमोन 4 मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, व्हाट इज एक्सिमोन 4 मिशन। ठीक है, इंडिया ने जो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जो है, इसरो ने जो है, दो हमारे काफ़ी काबिल जो है एस्ट्रोनॉट्स को चुना है, गगनयान एस्ट्रोनॉट्स को चुना है, ट्रेंड गगनयान एस्ट्रोनॉट्स को चुना है एक्सिमोन 4 मिशन के लिए। ठीक है, जो टू दी इंटरनेशनल ISS इन कोलैबोरेशन विथ नासा। ठीक है, इन कोलैबोरेशन विथ नासा के कोलैबोरेशन के साथ में जो है इनको चूज़ किया है दोनों। अब एक्सिमोन 4 मिशन क्या है वो पढ़ते हैं हम। नासा एंड एक्सिमोन स्पेस एंड अमेरिकन प्राइवेटली फंडेड स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर साइंड एन ऑर्डर फॉर दी 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन टू ISS एमिंग टू लॉन्च इन August 2024। ठीक है, ये जो है नासा और एक्सिमोन स्पेस जो है वो एक मिशन लॉन्च करने वाले हैं August 2024 में। ठीक है, उसके लिए जो है साइन द ऑर्डर ऑफ 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन। 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन का जो एग्रीमेंट है उन्होंने साइन किया है, और वो ये मिशन को कंडक्ट करने वाले हैं August 2024 में। ठीक है, द मिशन एम्स टू डॉक विद ISS फॉर अ 14 डे ड्यूरेशन। ठीक है, 14 डे ड्यूरेशन तक एक मिशन चलेगा। इंडियन एस्ट्रोनॉट्स विल रिसीव ट्रेनिंग फ्रॉम नासा से भी ट्रेनिंग मिलेगी इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को। ठीक है, जो जिन दो को शॉर्टलिस्ट किया है, शुभमन शुक्ला और ये प्रशांत बालकृष्ण नायर को। वॉट इज़ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब क्या है? द ISS इज़ अ लार्ज परमानेंटली क्रूड लेबोरेटरी दैट ऑर्बिट्स अर्थ 400 किलोमीटर्स अबव इट्स सर्फेस। इट्स अ होम टू एस्ट्रोनॉट्स एंड कॉस्मोनॉट्स एंड सर्व्स एज एन यूनिक साइंस लेबोरेटरी। एक लेबोरेटरी है ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो दैट ऑर्बिट्स अर्थ को जो ऑर्बिट करती है 400 किलोमीटर्स अबाउ इट सरफेस। अर्थ के ऊपर 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो है वो ISS, इंडियन ISS जो है वो ऑर्बिट करती है। ठीक है, एक यूनिक लेबोरेटरी है, साइंस की लेबोरेटरी है वो। ठीक है, उधर रिसर्च करने के लिए जो है, इट्स रिसर्च इज़ एक्सपेक्टेड टू लीड एडवांसमेंट्स इन मेनी एरियाज इंक्लूडिंग मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, साइंस, अंडरस्टैंडिंग द अर्थ एंड यूनिवर्स। ठीक है, ये इसमें रिसर्च कौन सी होती है लेबोरेटरी में? ठीक है, इंक्लूडिंग मेडिसिन की रिसर्च होती है, टेक्नोलॉजी की होती है, साइंस की होती है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अर्थ एंड यूनिवर्स। ठीक है, अर्थ और यूनिवर्स को जो है वो और अंडरस्टैंड, अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, वो जो है इस लेबोरेटरी में उसकी रिसर्च होती है। ठीक है,
आगे पढ़ते ही कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आप आगे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बारे में जो क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन भी आप एक कर लीजिए कॉपी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करने के लिए दे रही हूँ, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ही आपका टॉपिक क्लियर होगा, और जब मतलब सुनने के बाद प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा ईजिली आप अटेम्प्ट कर पाओगे आंसर्स। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इन स्पेस मिशन विथ रेफरेंस टू दी एक्सिमॉन 4 मिशन, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो आपको लिखना है, अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इजी है क्वेश्चन, अभी जो पढ़ाया उसमें काफ़ी पॉइंट्स है इसके, तो आप ये ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, सी सी आई प्रोक्योर्स 33 लाख बेल्स कॉटन एट MSP। अब सी सी आई ने जो है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, 33 लाख कॉटन के बेल्स जो है वो MSP पे जो है वो खरीद लिए हैं, प्रोक्योर कर लिए गए हैं, ठीक है, प्रोक्योर्ड MSP, ठीक है, ये कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब इसके बारे में डिटेल जानते हैं कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्चुअल में है क्या। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और CCI इज़ अ सेंट्रल पब्लिकेशन सेक्टर अंडरटेकिंग ओनरशिप ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंगेज्ड इन एंड डाइवर्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू ट्रेड प्रोक्योरमेंट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन। अब ये कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो रिलेटेड है, वो प्रोक्योरमेंट देखता है, ठीक है, मतलब खरीदना वो देखता है और एक्सपोर्ट देखता है कॉटन का, ठीक है, एक्टिविटीज रिलेटेड ट्रेड भी देखता है ये, ठीक है, कॉटन का, ठीक है। CCI इज़ अ पब्लिक सेक्टर एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन अमंग द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द इंडस्ट्री फॉर एडिंग द इम्पोर्ट ऑफ कॉटन, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन भी देखता है कॉटन का, कॉटन कितने सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है वो ये इम्पोर्ट भी देखता है। CCI इज़ गवर्न्ड बाय टेक्सटाइल पॉलिसी 1985 इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ठीक है, ये जो है वो इस पॉलिसी से गवर्न होता है, टेक्सटाइल पॉलिसी ऑफ 1985, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने जो है वो इशू करी थी, ठीक है, 1985 में। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फॉर्म कब हुआ था, ठीक है, ये फॉर्म हुआ था 1970 में, ठीक है। इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये, ठीक है, हेडक्वार्टर्स इसका मुंबई में है, ठीक है। अब इसकी कौन सी नोन पर्सनालिटीज़ के बारे में आपको जानना चाहिए, ठीक है, ललित कुमार गुप्ता जो है वो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, इसके उनके बारे में सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि ये इनके मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब MSP के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि MSP क्या है, ठीक है। MSP इज़ अ गारंटीड अमाउंट पेड टू फार्मर्स व्हेन द गवर्नमेंट बाइज द प्रोड्यूस, ठीक है। MSP एक अमाउंट है जो फार्मर्स को दिया जाता है जब उनका जो प्रोडक्ट है वो खरीदती है गवर्नमेंट, तो वो जो है वो गारंटीड अमाउंट दिया जाता है, फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता, गारंटीड अमाउंट होता है कि इतना अमाउंट तक हम देंगे, ठीक है, उसको MSP कहते हैं। MSP इज़ बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है, CACP के रिकमेंडेशंस के ऊपर MSP जो है वो बेस्ड होता है, जो प्राइस है उसका रिकमेंडेशन करती है, उसका एडवाइस जो है वो CACP देती है, ठीक है। CACP इज़ एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है, ये है अटैच्ड ऑफिस है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर का एक अटैच्ड ऑफिस है, ठीक है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टेक्स फाइनेंशियल डिसीजंस, ठीक है, ये जो बॉडी है CCEA जो है फाइनेंशियल डिसीजंस लेती है MSP को अप्रूव करने के, ठीक है, अप्रूव्स MSP, ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजंस लेती है। MSP इज एम्ड एट एंश्योरिंग रेम्यूनरेटिव प्राइजेस टू ग्रोवर्स फॉर देयर प्रोड्यूस एंड एनकरेज क्रॉप
क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को इनक्रेज करती है MSP, ठीक है, और उनका जो है रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है वो मिल पाए फार्मर्स को, उसका जो है वो पूरी कोशिश करती है, ठीक है। ये CACP के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, इसको पढ़ लीजिए आप। अब क्रॉप्स जो क्रॉप्स कवर्ड अंडर MSP के अंदर जो क्रॉप्स है सीरियल्स में पैडी, वीट, जवार, बार्ले, बाजरा, रागी, मेज। पल्सेस में अरहर, ग्राम, मूंग, लेंटिल, उरद, ठीक है। ऑयल सीड्स में ग्राउंडनट सीड्स, ठीक है, मस्टर्ड, सोयाबीन, तुराई और सीसम, सनफ्लावर सीड्स, ठीक है, सफ्लावर सीड्स और ये नाइजर सीड्स, ये सारी सीड्स इंक्लूडेड होती है। ये सारे क्रॉप भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नीड क्या है MSP की, व्हाट इज व्हाई इट इज नेसेसरी टू गिव MSP, टू प्रोवाइड MSP। 2024 और 2025 में क्या हुआ था, ट्विन ड्रॉट हुआ था, ठीक है। दोनों साल जो है वो एक लगातार एक के पीछे एक ड्रॉट आया था, तो उसकी वजह से क्या हुआ था, फार्मर्स को जो है वो काफ़ी सफ़र करना पड़ा था डिक्लाइन कमोडिटी प्राइसेस में, ठीक है। उन्होंने बहुत मतलब कमोडिटी प्राइस ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ ड्रॉट, ठीक है, उस वजह से काफ़ी सफ़र किया था। तो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया कि MSP के थ्रू जो है वो फिर से कभी ऐसे फार्मर्स को सफ़र ना करना पड़े। इस वजह से जो है वो गवर्नमेंट फिक्स्ड अमाउंट देती है फार्मर्स को, फिक्स्ड अमाउंट नहीं, गारंटीड अमाउंट देती है फार्मर्स को कि इतना तो आपकी सीड को या आपके आपने जो प्रोड्यूस किया है उसको इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन देख लेते हैं एक मेंस का इस टॉपिक पे, ठीक है। MSP बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसके पहले भी इस पे क्वेश्चंस आए थे, इसके बाद भी आएंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है, फार्मिंग हमारा एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर हो जाता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करिएगा आप, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ MSP सिस्टम इन एड्रेसिंग द इश्यूज ऑफ फार्मर्स डिस्ट्रेस। व्हाट अल्टरनेटिव मैकेनिज्म कैन बी प्रपोज्ड टू कॉम्प्लीमेंट और रिप्लेस MSP टू सपोर्ट फार्मर्स। अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि व्हाट अल्टरनेटिव, अगर MSP नहीं तो और दूसरा कौन सा अल्टरनेटिव हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम फार्मर्स को सपोर्ट करें, ठीक है। तो अपने ओपिनियंस इस क्वेश्चन में बताइए, अपने मतलब सोचिए इस बारे में, क्रिएटिव ओपिनियंस दीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस ज़रूर करिए, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक सारा, ठीक है। अब BRI के बारे में जानते हैं, ठीक है। एमिड ग्रोइंग BRI प्रेशर फ्रॉम चाइना, आइज रिप्रोचमेंट विथ न्यू दिल्ली, ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों है, ठीक है। अभी जो है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो है वो अभी इलेक्ट हुए हैं, ठीक है, उनको, ठीक है, उस वजह से जो है वो ये न्यूज़ में है कि BRI जो है, BRI के बारे में पहले जान लेते हैं, BRI है क्या, ठीक है। BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसको बोलते हैं। BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाज अनाउंस्ड बाय चाइना प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इन 2013 में जो है वो ये इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया था। ये इनिशिएटिव क्यों लॉन्च किया गया था, इसका इनिशिएटिव को पहले वन बेल्ट वन रोड बोलते थे 2016 से, फिर उसको BRI जो है वो बोलना शुरू हो गए। BRI इज एन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम दैट एम्स एट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज अलॉन्ग विथ रूट्स ऑफ द हिस्टोरिक सिल्क रूट। जो हिस्टोरिक सिल्क रूट है हमारा, आगे मैप में देखेंगे हिस्टोरिक सिल्क रूट है क्या, ठीक है। हिस्टोरिक सिल्क रूट जो है उससे लग के उसके जो रूट में जो भी कंट्रीज आती है उसकी कनेक्टिविटी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो है BRI जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है एक उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इस वजह से जो है वो BRI लॉन्च किया गया था। लॉन्च किन्होंने किया था, चाइना ने किया था, चाइना के जो है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग उन्होंने किया था। नीड फॉर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, अब इसका क्या नीड था, क्यों नीड था इसका, ठीक है। बेस्ड ऑन एशियन डेवलपमेंट बैंक्स ADB फिगर्स इट हैज़ बिन फाउंड दैट एशिया फोकसेस एंड फेसेस एन इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग गैप
of an estimated USD 26 trillion through 2023. अब एशियन डेवलपमेंट बैंक्स ने जो है वो एक फिगर नोटिस किया है कि जो उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें काफ़ी बड़ा गैप दिखता है, तो उस गैप को भरने के लिए जो है वो एक ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, ठीक है, BRI. पर्पस क्या है इसका? पर्पस, अल्टीमेट पर्पस ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI इज लिस्टेड बिलो एज फॉलोस. प्रमोट कनेक्टिविटी, सबसे पहली बात तो कनेक्टिविटी प्रमोट करने के लिए, ठीक है, ऑब्वियसली बात है कनेक्टिविटी तो प्रमोट होगी ही, ठीक है. कनेक्टिविटी किस में प्रमोट करनी है? यूरोप, एशिया, अफ्रीकन नेशंस में, ठीक है, इन तीन नेशंस में जो है वो कनेक्टिविटी प्रमोट करनी है. इस वजह से कनेक्टिविटी इन ओशन कनेक्टिविटी भी प्रमोट करनी है, ठीक है. इंक्रीज एंड स्ट्रेंथ इन द पार्टनरशिप ऑफ कंट्रीज दैट आर अलॉन्ग द बेल्ट एंड रोड. बेल्ट उस सिल्क हिस्टोरिक सिल्क रूट के बेल्ट के अराउंड जो कंट्रीज है उनकी जो पार्टनरशिप है, ठीक है, उसको इंक्रीज करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो है वो ये इनिशिएटिव कल लॉन्च किया गया था, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. टू सेटअप मल्टी डायमेंशनल एंड कंपोजिट नेटवर्क्स अमंग द कंट्री. कंपोजिट नेटवर्क्स मतलब नेटवर्किंग भी तो हो ही जाता है ना, जब एक जगह से आप दूसरी जगह को कनेक्ट करते हो तो उसको नेटवर्किंग, मतलब नेटवर्किंग हो ही जाता है उसका. कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. फैसिलिटेट्स कनेक्टिविटी, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, पीपल टू पीपल बॉन्ड, ठीक है. चाइनाज बेनिफिट क्या है? अब चाइना के क्या बेनिफिट्स है, ठीक है, स्टेट सोवर्निटी, नेशनल सिक्योरिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये सारे चाइना के बेनिफिट्स है, ठीक है. जो चाइना के जो बेनिफिट्स है सिल्क रूट जो उसका इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम से, ठीक है. रूट्स ऑफ BRI, अब रूट क्या है, ठीक है, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट. दिस सेगमेंट ऑफ BRI इज डेडिकेटेड टू इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेड लिंक्स अक्रॉस थ्रू यूरेशिया थ्रू अ नेटवर्क ओवरलैंड ट्रांसपोर्टिंग रूट, मैरीटाइम रूट. मैं एक मैप में बता देती हूँ आपको, मैप में कैसे दिखिए. सबसे पहले जो है वो मैरीटाइम सिल्क रूट देखते हैं. मैरीटाइम सिल्क रूट यहाँ से ऐसे करके ये पूरा जो है वो ऐसे करके मैरीटाइम सिल्क रूट जाता है, ठीक है. यहाँ से ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे करके ये पूरा मैरीटाइम सिल्क रूट जाता है, ठीक है. और ये जो है यहाँ से स्टार्ट होता है चाइना से, ठीक है. सिल्क रूट ये बेल्ट वाला रूट है, ठीक है. ये बेल्ट वाला रूट है, यहाँ रूट है ये, यहाँ से होके यहाँ आता है, ठीक है. तो ये जो है वो एक नेटवर्क प्रमोट करता है, किसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेड लिंक्स अक्रॉस यूरेशिया थ्रू नेटवर्क. ये नेटवर्क बन जाता है इसका, ठीक है. ये रूट याद रखिएगा, रूट इम्पॉर्टेंट है. मैरीटाइम सिल्क रोड, ठीक है. दिस कंपोनेंट एम्फसाइजेस मैरीटाइम कनेक्शंस एंड कॉपरेशंस इन द फॉर्म ऑफ पोर्ट शिपिंग रूट्स एंड मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पोर्ट्स शिपिंग रूट्स वगैरह में ये हेल्प करता है, ठीक है. जो सिल्क मरीन रूट है वो मरीन सिल्क रोड जो है वो, ठीक है. इट बिगिंस वाया साउथ चाइना सी गोइंग टूवर्ड्स इंडो चाइना, साउथ ईस्ट एशिया एंड देन अराउंड इंडियन ओशन, थस रीचिंग अफ्रीका एंड यूरोप, ठीक है. अभी देखा ही आपने एक मैप में, ठीक है. ये देखा आपने, ये ऐसे करके पूरा जो है वो रूट है, ठीक है. रूट याद रखिएगा, रूट याद भी नहीं रहा तो फिर थोड़ा सा मतलब कॉन्टिनेंट्स एटलीस्ट याद रखिएगा कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं. मेंस में इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है? एनालाइज द स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फॉर इंडिया. हाउ शुड इंडिया रिस्पॉन्ड टू द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंटेड बाय BRI, ठीक है. इंडिया कैसे मतलब उनको चैलेंजेस को जो है वो कैसे जो है वो स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन जो है उसका मतलब BRI का स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन जो है वो चाइना कैसे करेगा, ठीक है. इंडिया को इसमें क्या बेनिफिट होगा, इंडिया को कैसा रिस्पॉन्स दिखाना चाहिए, ठीक है. वो सब कुछ इस आंसर में इंक्लूड होगा, आप प्रैक्टिस करिए ज़रूर, ठीक है. आगे अब जितने आज हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, जितने आज हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं, उन आर्टिकल्स
से कुछ MCQs जो है मैंने प्री के लिए बनाए हैं, प्रैक्टिस ज़रूर करिए इन्हें, MCQs, PYQs और मेंस के क्वेश्चन, आप जितने प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। उससे आपकी टॉपिक की नॉलेज बढ़ेगी, रिविजन होगा आपका, और आपको जैसे प्रैक्टिस से ही होता है, प्रैक्टिस से ही आंसर बढ़ता है, प्रैक्टिस से आपकी टाइम भी बढ़ेगी, टाइम स्पैन जो होता है एक आंसर को लिखने का वो भी बढ़ेगा, तो प्रैक्टिस करिए ज़रूर, ठीक है। आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये क्वेश्चंस का आंसर आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, कल आके मैं इनको डिस्कस करूँगी, ठीक है। सबसे पहले डिस्कशन ही होगा इन क्वेश्चंस का, ठीक, क्वेश्चंस के आंसर का, ठीक है। तो आप ज़रूर डिस्कस करिए, ज़रूर आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकमेंडिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर वेरियस क्रॉप्स इन इंडिया, कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, इन चारों में से कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है MSP को, MSP का जो है वो वेरियस क्रॉप्स का जो है वो MSP डिसाइड करने के लिए, ठीक है। आप इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन आर इंक्लूडेड इन द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, अब इन चारों ऑप्शंस में से अब जो है जो फॉलोइंग रीजन्स है, जो ये जो रीजन्स है कौन से इंक्लूडेड है ये बताइए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दीजिए इसका। कल आके मैं फिर से एक बार डिस्क्राइब करूँगी जो सी रूट है उसका, ठीक है, सी रूट और जो सिल्क रूट है पूरा मैरीटाइम सिल्क रूट और बेल्ट जो है उसका भी पूरा डिस्कशन फिर से करवाऊँगी। द एग्जिमॉन मिशन 4 इज़ एसोसिएटेड विद विच स्पेस स्टेशन, अब कौन से स्पेस स्टेशन से ये मिशन जो है वो रिलेटेड है उसका जो आंसर है कमेंट सेक्शन में प्लीज़ दीजिएगा, कल इसका आंसर आके मैं बताऊंगी। काफ़ी इजी क्वेश्चंस है वैसे, आप दे सकते हो, अगर आप अटेंटिव रहे होगे पूरे सेशन में तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर, ठीक है। अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि गवर्नर के लिए क्या क्राइटेरिया होता है गवर्नर्स के पोस्ट का, या क्या मतलब क्या उनके जो वन लाइनर्स में हमने पढ़ा कि उनके क्या क्या पावर्स होते हैं, कैसे होता है, ठीक है, एज क्राइटेरिया क्या होता है, उस क्या सिटीजन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उस सारी चीज़ें हमने पढ़ी, तो इसका आंसर भी जो है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, ठीक है। आज के लिए बस अभी इतना ही, क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करिए और कल हम आपसे मिलते हैं फिर से, ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।